ओके क्लास ओके। चलिए साउंड थोड़ा कम कर दीजिए, ज़्यादा साउंड है बाहर में, बाहर में ज़्यादा साउंड है, थोड़ा कम कर दीजिए। ठीक है, हेलो। चलिए गुड इवनिंग आप सभी को। एक बार उसको कट करिए, थोड़ा सा कट हो जाएगा। लाइव है। चलिए चलिए कोई बात नहीं है। सभी लोग को एक बार साउंड क्लियर रखने। चलिए एक बार ज़रा बता दीजिए आप लोग, ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? चलिए चलिए ठीक है। हम लोग आज आगे वाला क्लास करेंगे, कहने का ये मतलब है ना कि हम इसमें दो पार्ट कर लिए थे और ये हमारा तीसरा पार्ट है। हाँ ठीक है ठीक है, ओके ओके ठीक है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, कट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए ठीक है ठीक है, चलिए ठीक है ओके। देखिए तो हम लोग अब कौन सा पार्ट करेंगे? तीसरा पार्ट करेंगे, ठीक है ना? तीसरा पार्ट करेंगे, कहने का मतलब हम आपको दो पार्ट जो टीआरई टू में आपका हुआ था, जैसे पहला में हम आपको 71 से लेकर 90 तक करा दिए थे और दूसरा में हम उससे आगे आने की 90 से 120 तक करा दिए थे। आज हम आपको 150 तक करवा देंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, पीछे थोड़ा सा इजी प्रश्न था, अब आगे जो है थोड़ा सा आपका प्रश्न जो है ये कैसा है तो आपका हार्ड है। तो आपको यहाँ पे अपने आप को थोड़ा मेंटेन करके रखिएगा, ज़्यादा इधर उधर नहीं होइएगा, नहीं तो समझने में थोड़ा दिक्कत होगा। कुछ क्वेश्चन का लेवल आज का टफ है, ठीक है ना? और बाकी जो भी हम आपको क्लास कराएंगे वो सब इसी सब प्रश्न के बेस पे हम आपको पूरा का पूरा क्लास कराएंगे, ठीक है? तो ये अपना बैच है परम, ठीक है ना? अगर आप लोगों में से कोई भी लोग अगर कंप्यूटर साइंस का पेपर दे रहे हैं, चाहे आप 3 का दे रहे हैं या 4 का दीजिएगा या आपका स्टेट है, तो निश्चित रूप से आप मेरे साथ जुड़िए। हाँ ठीक है ओके। साउंड क्लियर है ना राजेश? साउंड क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए देखिए आज का आपका पहला जो क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, ठीक है ना? मतलब 121 है और इससे पहले 20 तक तो हम पहले कर लिए थे, ठीक है? कह रहा आपका कि एन एट्रीब्यूट ऑफ वन टेबल मैचिंग द प्राइमरी की ऑफ एनदर टेबल इज कॉल, मतलब कह रहा है कि एक एट्रीब्यूट है जो एक टेबल का मैचिंग कर रहा है प्राइमरी की ऑफ एनदर टेबल, मतलब एक ही आईडी को अगर एक में, ठीक है, एक ही आईडी को अगर कोई एक ही एम्प्लॉय है जिसका एक डिपार्टमेंट में अगर हम उसको प्राइमरी की बोल रहे हैं तो दूसरे डिपार्टमेंट में हम उसको क्या बोलते हैं? फॉरेन की बोलते हैं। मतलब बहुत सारा ऐसा मतलब डिपार्टमेंट होता है, मतलब कंपनी के अंदर डिपार्टमेंट होता है जहां एक से दूसरे जगह एक ही एम्प्लॉय को जाना होता है, तो वहां पे उसका एक जगह जो आईडी है वो प्राइमरी की, और जब दूसरे जगह जाता है तो उसी आईडी को क्या बोलते हैं हम? सेकेंडरी, मतलब सेकेंडरी नहीं फॉरेन की बोलते। क्या बोलते हैं? फॉरेन की बोलते हैं। तो बात को समझ गए? कह रहा है कि एन एट्रीब्यूट ऑफ वन टेबल मैचिंग द प्राइमरी की ऑफ एनदर टेबल, एनदर टेबल मतलब एक टेबल में जो आपका प्राइमरी की है, ये आपका एक टेबल में यही आईडी आपका दूसरे टेबल में, यही आईडी आपका आने की दूसरे टेबल में, आने की टेबल में आपका क्या हो जाएगा ना, तो फॉरेन की हो जाएगा, फॉरेन आपका की हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना, एक ही आईडी दो जगह पे, ठीक है ना? क्या पूछ रहे हैं? ठीक है ओके, ठीक है ठीक है ओके ओके ओके। चलेगा क्लास? चल रहा है? हाँ ठीक है चलेगा क्लास। थोड़ा उसको साइड करिए, देखिए क्या आ रहा है वहाँ पे। हाँ कमेंट को थोड़ा नीचे खींचिए, कमेंट को थोड़ा नीचे खींच दीजिए। हाँ रेगुलर क्लास, हाँ रेगुलर ही चलेगा, रेगुलर चलेगा, रेगुलर चलेगा, आप चिंता मत कीजिए, रेगुलर चलेगा। चलिए तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि इफ एवरी आपका नन की एट्रीब्यूट, इस बात को ध्यान रखिए, नन की एट्रीब्यूट का आपका बात कर रहा है, ठीक है ना? तो एवरी नन की एट्रीब्यूट इज ए फुल्ली डिपेंडेंट ऑन द आपका प्राइमरी की। जब भी कोई नन की एट्रीब्यूट होगा जो प्राइमरी की पर डिपेंड होगा, देन द रिलेशन विल बी, रिलेशन क्या होगा आपका? तो आपका ये सेकेंड नॉर्मल आपका फॉर्म होगा। जब ही आपका सेकेंड नॉर्मल फॉर्म की बात करेगा ना, तो इसके मतलब इसके अंदर आपका जो फर्स्ट आपका नॉर्मल फॉर्म है ये, और प्लस में आपका क्या हो जाएगा? तो आपका नन की क्या हो जाएगा? आपका नन की एट्रीब्यूट,
एट्रीब्यूट आपका हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब आपका अगर नॉर्मल फॉर्म्स की हम बात करें ना, तो आपका नॉर्मल फॉर्म कौन कौन होता है आपका, तो पहला आपका यानी कि 1NF होता है, मतलब पहला नॉर्मल फॉर्म होता है, दूसरा आपका होता है, सेकेंड आपका नॉर्मल फॉर्म होता है, एक होता है आपका यानी कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म होता है, और उसके बाद 4 नंबर पे आपका BCNF होता है, और 5 नंबर पे आपका 4th आपका NF होता है, और 6 नंबर पे आपका 5th NF होता है। तो ये सब आपका NF होता है, मतलब ये टोटल आपका 6 होता है। टोटल कितना होता है नॉर्मल फॉर्म, अगर हम टोटल नॉर्मल फॉर्म की बात करते हैं, टोटल आपका नॉर्मल आपका फॉर्म की बात करते हैं, फॉर्म की बात करते तो कितना होता है आपका 6 होता है, जिसमें से मेन कौन कौन होता है, तो यही तीनों आपका मेन होता है, ऊपर वाला आपका पहला, दूसरा और तीसरा। इसके बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे जब हम आपको पढ़ाएंगे तब क्या क्या क्वेश्चन इसे आता है, ठीक है ना। अभी आपका बात कर रहा है आपका आने की नन की एट्रीब्यूट जो आपका प्राइमरी पर डिपेंड है, वो रिलेशन क्या होगा आपका आने की सेकेंड नॉर्मल फॉर्म होगा। बहुत सारा ऐसा की पॉइंट है कंप्यूटर साइंस में जिसको आप पकड़ के डायरेक्ट आंसर तक आप पहुंच जाइएगा। समझ गया बातों को ना, चलिए आगे देखिए, ठीक है चलिए आगे देखिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आप लोग आंसर हमें दीजिए भी साथ साथ में, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल आंसर दीजिए, कब से चल रहा है, ठीक है। अभी कम ही क्लास हुआ है, बहुत कम हुआ है, ठीक है ना। अभी कम ही क्लास हुआ है, हम इसमें C++ और ऊप्स का जो क्वेश्चन कैसे आता है, उसका थ्योरी क्या है आपका, उसमें एप्लीकेशन में डाल दिए हैं। हालांकि उसमें अभी ये दोनों वीडियो फ्री ही हैं, आप जाकर के वहां देख भी सकते हैं, ठीक है ना। आपको समझ में आ जाएगा कि कैसा कंटेंट है, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका क्लास क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या आपका 123 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। कह रहा है इन आपका रिलेशन डाटाबेस द डाटा टाइप ऑफ वैल्यू इन ईच कॉलम ऑफ ए टेबल इज कॉल। तो देखिए होता क्या है कि चाहे आपका क्वेश्चन में एट्रीब्यूट की बात करें, चाहे आपका कॉलम की बात करें, चाहे आपका डिग्री की बात करें, ये सब आपका एक ही चीज होता है। तो जब भी यहां आपको प्रश्न में क्या मिल रहा है, कॉलम मिल रहा है ना, आंख मुनकर आंसर क्या लगा देना, एट्रीब्यूट लगा, क्या आपका एट्रीब्यूट होगा, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। समझ गए बातों को, तो आपका एट्रीब्यूट पूछे, कॉलम पूछे, चाहे डिग्री की बात करें, आपका सेम ही होगा। इसके बेस पे कई सारा क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, हो जाएगा, रूटीन भी सही हो जाएगा, आप टेंशन नहीं लीजिए, रूटीन सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए जैसे कि आपका एट्रीब्यूट हो या कॉलम हो या डिग्री हो, इसी टाइम में रहेगा, संध्या में ही रहेगा, ठीक है ना, लगभग 8 बजे के आसपास रहेगा। आपको हम 1-2 दिन में सब कुछ कन्फर्मेशन, मतलब कल के क्लास में हम आपको कन्फर्मेशन दे देंगे कि मतलब इसका एग्जैक्ट टाइमिंग क्या होगा, क्योंकि थोड़ा सा क्लास का शेड्यूल ना आगे पीछे हुआ, इसीलिए थोड़ा यह वेरी किया है, ठीक है ना। देखिए तो देखिए चाहे आपका एट्रीब्यूट पूछे या कॉलम पूछे या डिग्री पूछे ना, तो ये सब आपका सेम होता है। यहाँ पे कॉलम बोल रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, एट्रीब्यूट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला आपका क्वेश्चन कह रहा है 124 नंबर क्या कह रहा है, समझिए। कह रहा है आपका कि इन आपका रिलेशन आपका डाटाबेस द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट ऑफ ईच रिलेशंस इज कॉल्ड। फिर से नंबर ऑफ एट्रीब्यूट की बात कर लिया, अरे नंबर ऑफ एट्रीब्यूट कहे चाहे डिग्री कहे चाहे कॉलम कहे, हमारा आंसर तो सेम होना है, समझ गए, बता दीजिए, यानी कि सर अपने बारे में भी बता दीजिए, ठीक है। अभी आप पढ़िए ना, हम अपने बारे में बता देंगे, ठीक है, मैं अपने बारे में बता देंगे, अभी पढ़िए देखिए। तो जैसे कि आपका एट्रीब्यूट पूछ ले, चाहे आपका कॉलम पूछ ले, चाहे डिग्री पूछ ले, बात आपका सेम होगा ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, हम बता देंगे किसी ने, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला आपका क्या है ना, कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग आपका SQL की बात करें आपका आने की SQL, किसका हम बात कर रहे हैं आने की SQL की बात करें, तो होता है आपका स्ट्रक्चर आपका क्यूरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर आपका क्यूरी लैंग्वेज होता है, एक SQL होता है और एक क्या होता है आपका आने की स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज होता है, एक आपका अनस्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज होता है। हम ये दोनों पढ़ाएंगे बाद में आपको, हालांकि मेनली जो काम करते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर, और कुछ आपका अनस्ट्रक्चर भी होता है उसके ऊपर भी हम कैसे काम करेंगे आपको बताएंगे। देखिए अगला आपका क्या है कि विच ऑफ द फ्लोइंग आपका SQL कमांड इज यूज टू आपका चेंज द एट्रीब्यूट वैल्यू ऑफ वन
और मोर रो। देखिए क्या कह रहा है आपका, यहाँ पे कह रहा है कि चेंज वैल्यू की बात करें, इस बात को पकड़िए क्वेश्चन में, बस आपको की पॉइंट पकड़ना है, यहाँ इस बात को पकड़ना है ना, क्या कह रहा है कि आपको चेंज कर रहा है। तो जब भी कोई एग्जिस्टिंग डाटा होगा ना, जैसे कि मान लीजिए कोई एग्जिस्टिंग डाटा है पहले से बना हुआ है, अब तब उसमें चेंज करते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं, अपडेट कहते हैं। क्या कहते हैं, अपडेट। आने की एग्जिस्टिंग डाटा के अंदर चेंज करना है किसको, एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग डाटा, डाटा में चेंज करते हैं, चेंज करते है ना, एग्जिस्टिंग डाटा में चेंज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, अपडेट बोलते हैं। एक सेकंड, देखिए एग्जिस्टिंग डाटा में, कमेंट को थोड़ा नीचे कर रहे थे क्योंकि दिख नहीं रहे थे, UPSC Tier 3 क्लास कंप्लीट हुई, एकदम में हो जाएगा, टेंशन बिल्कुल नहीं ली, एकदम हो जाएगा कंप्लीट। देखिए तो आपका एग्जिस्टिंग डाटा में आपका चेंज करते उसको क्या बोलते हैं, अपडेट कहते हैं। क्या कहते हैं, हम अपडेट कहते हैं। BPSC Tier 3 है ना, मेन टारगेट उसी को किया जा रहा है, आप समझिए बातों को, मेन टारगेट हम उसी को कर रहे हैं, टॉपिक वाइज करवा रहे हैं वहां पे। देखिए तो आपका क्या है ना, अपडेट एग्जिस्टिंग डाटा में। अल्टर कहां पे होगा, अभी हम आपको आगे बताएंगे कि अल्टर आंसर कब होगा, जब हम चेंज करेंगे एग्जिस्टिंग डाटा में तो आपका आंसर क्या होगा, अपडेट होगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपका क्वेश्चन क्या है, देखिए कह रहा है आपका टू रिट्रीव, रिट्रीव का मतलब क्या, निकालना यानी कि छानना या छाटना। कह रहा है कि टू रिट्रीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए डाटाबेस, मतलब एक डाटाबेस से, मतलब बहुत सारा डाटा है उसमें से एक को निकालना यानी कि छानना। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग SQL कमांड इज यूज, मतलब फिर से आपका जो स्ट्रक्चर लैंग्वेज, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज का आपका कौन सा कमांड यूज करिएगा कि इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर लेगा, क्या कर लेगा, रिट्रीव कर लेगा। ठीक है ना, तो आपका क्या हो जाएगा, तो सिलेक्ट यानी कि हम उस डाटा में से जब सिलेक्ट करेंगे ना तो वही आपका क्या कहलाता है, रिट्रीव कहलाता है। क्या कहलाता है, यानी कि रिट्रीव कहलाता है। समझ गया बातों को। चलिए आप क्यों परेशान है, हम टॉपिक वाइज ही करवा रहे हैं, आप पहले जाकर के देखिए। तो जैसे कि मान लीजिए पहले आपका C++ हो गया, उप्स हो गया, तो C++ का थ्योरी दिए और उसके जस्ट बाद क्वेश्चन, उसका फिर उसका थ्योरी दिए फिर क्वेश्चन, अभी डाटा स्ट्रक्चर का थ्योरी देंगे फिर क्वेश्चन, आप देखिए तो एक बार पहले जा करके, पहले ही से ऐसे मत करिए, पहले एक बार एप्लीकेशन पे जाइए, कई सारा वीडियो और मटेरियल फ्री है। ठीक है, परम बैच में, वहां पे एक बार आप पहले देखिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सिलेक्ट, जब भी आपका रिट्रीव का बात करेगा तो इसके मतलब क्या हो जाएगा आपका सिलेक्ट, मतलब वहां से छानने की बात कर रहा है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग SQL यानी कि स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, मतलब SQL आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, SQL कमांड इज यूज टू मोडिफाई द आपका स्ट्रक्चर। अब देखिए यहाँ पे क्या बात कर रहा है, मोडिफाई की बात कर रहा है, तो जब भी मोडिफाई की बात करेगा तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि अल्टर होगा। यहाँ पे देखिए पहले वाले में क्या बोल रहा था, इसमें आपका बोल रहा था चेंज कर रहा, मतलब एग्जिस्टिंग डाटा में चेंज कर रहा है, तब आपका अपडेट था, और जब रिट्रीव कर रहा है इंफॉर्मेशन को निकाल रहा है तो मतलब सेलेक्ट कर रहा है। अगला देखिए, ये कह रहा है मोडिफाई कर रहा है, यानी कि SQL कमांड इज यूज टू आपका मोडिफाई द स्ट्रक्चर इन ए टेबल, जब स्ट्रक्चर को मोडिफाई करेगा तब आपका क्या हो जाएगा वहां पे, अल्टर। मतलब अल्टर कहने का मतलब क्या, हम उसमें मोडिफाई कर रहे हैं डाटा में। ठीक है, चलिए आगे देखिए, धन्यवाद आपको, चलिए ठीक है, थैंक यू। अब अपना नाम तो लिखते ना, कम से कम यूजर लिखे हुए हैं तो क्या पता चलेगा हमको। चलिए अगला देखिए, विश्वास करिए मैं बहुत अच्छा से सब कुछ करवा दूंगा। ठीक है ना, अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग आपका SQL कीवर्ड इज यूज टू आपका डिस्प्ले डाटा फ्रॉम टेबल बेस्ड ऑन आपका सर्टेन पैटर्न। तो देखिए जब भी इस क्वेश्चन को आप पढ़िए तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि विच ऑफ द फ्लोइंग SQL, मतलब कौन सा आपका स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है यानी कि कीवर्ड इज यूज टू डिस्प्ले डाटा, मतलब कौन सा ऐसा कीवर्ड है, कीवर्ड क्या होता है आपका, प्रीडिफाइन और रिजर्व वर्ड होता है। क्या होता है आपका, जो भी कीवर्ड होता है ना ये आपका क्या होता है, प्रीडिफाइन होता है। क्या होता है आपका ये, आने की प्रीडिफाइन डिफाइन, इसका पूरा हम लिस्ट देंगे कि कौन कौन सा आपका कीवर्ड है। ठीक है ना, प्रीडिफाइन होता है ना, इसके मतलब पहले से उसको निर्धारित किया जाता है कि आपका प्रीडिफाइन है, तो मतलब कीवर्ड के जगह हम दूसरा कुछ करेंगे ना यूज, तो वेरिएबल, अगर मान ली कि हम वेरिएबल के जगह कीवर्ड का यूज करेंगे ना तो वहां पे एरर आ जाएगा, वो कैसे आएगा हम आपको दिखाएंगे। देखिए
तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो आपका लाइक हो जाएगा, कीवर्ड इज यूज टू डिस्प्ले फ्रॉम ए टेबल बेस्ड ऑन द सर्टेन पैटर्न, तो क्या हो जाएगा लाइक। और ध्यान रखिएगा लाइक को हमेशा हम किसके साथ लेते हैं, तो लाइक को परसेंटेज के साथ, यानी कि परसेंटेज के साथ आप लेते हैं, परसेंटेज के साथ हम लेते हैं। कहने का मतलब अगर ए लगा दिए यहाँ और परसेंटेज इधर लगा दिए, इसके मतलब ए तो फिक्स है, परसेंटेज की जगह कुछ और आ जाएगा, तो इसके मतलब क्या हो गया आपका ए हो गया और यहाँ पे आप कुछ भी लिख दीजिए। अगर मान लीजिए ये ए हो गया, इधर भी परसेंटेज लगा दी, इधर भी परसेंटेज, तो मतलब आपका ए तो फिक्स है और ए के आप इधर कुछ भी लगा दीजिए, इधर कुछ भी लगा दीजिए, तो इस तरीके से ये चलता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, ठीक है, अच्छा ठीक है, ओके, चलिए आइए अब अगला देखिए। अगला जो जस्ट हम अभी बताए हैं ना, उसी पर ये प्रश्न बन जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि आपका डिग्री एंड कार्डिनलिटी। अब बातों को समझिए, हम क्या आपको बोले थे, डिग्री का मतलब आपका क्या हो गया, या तो डिग्री बोले या आपका एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट की बात करें, या आपका कॉलम, कॉलम की बात करें, या फिर डिग्री की बात करें, तो ये सब आपको हम क्या बोले थे, समान बात है। अब दूसरे तरफ आप पढ़िए क्या कह रहा है, कह रहा आपका कार्डिनलिटी ऑफ ए रिलेशंस इन आपका रिलेशनल डाटा। कार्डिनलिटी का मतलब क्या होता है आपका, मैं यहां लिख रहा हूं, इधर लिखू, इधर लिख देता हूं, देखिए जो आपका कार्डिनलिटी है ना, कार्डिनलिटी जो आपका ये कार्डिनलिटी है ना, तो कार्डिनलिटी बोलिए या इसको आप रो बोलिए, या इसी रो को टप्पल भी बोलते हैं, आने की टप्पल बोलिए। तो यहां से आप बोलिएगा कि सर ये तीनों बात समान और ऊपर को तीनों बात समान है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, कार्डिनलिटी बोले, रो बोले, टप्पल बोले, हमको सेम चीज समझना है। दूसरी तरफ एट्रीब्यूट बोले, कॉलम बोले, डिग्री बोले, तो हमें सेम चीज समझना है। अब देखिए क्वेश्चन तुरंत 2 सेकंड में बन जाएगा। देखिए कह रहा है कि डिग्री एंड कार्डिनलिटी ऑफ ए रिलेशंस इन आपका रिलेशनल डाटाबेस आर 4। देखिए कह रहा है आपका 4 और 3 रेस्पेक्टिवली, तो एक मतलब डिग्री आपको कितना दिया है, तो डिग्री दिया है आपको 4, और ये आपका कार्डिनलिटी कितना दिया है, तो कार्डिनलिटी दिया है 3। समझ गया बात को। आगे कह रहा है कि इफ 3 एट्रीब्यूट एंड 4 टप्पल, अरे भैया 3 जब वो एट्रीब्यूट बोल रहा है तो एक मतलब क्या, कहां जुड़ेगा एट्रीब्यूट का डिग्री के साथ, तो एक मतलब 3 को आपका एट्रीब्यूट दे दिया। और आगे ही कह रहा है 4 को टप्पल, टप्पल कितना 4 गो, अब टप्पल यहां आ गया 4 गो, आर एडेड टू द रिलेशन, व्हाट विल बी द न्यू आपका कार्डिनलिटी एंड डिग्री, न्यू कार्डिनलिटी एंड डिग्री क्या होगा, तो ये कार्डिनलिटी कितना दिया यहां पे 3, और ये आपका एट्रीब्यूट इतना, डिग्री इतना, अब इसके साथ इसको जोड़ दीजिए समान के साथ, तो 3 + 4 तक कितना हो गया 7, और यहां भी 3 + 4 तक कितना हो गया 7। अब इस आंसर में है ये क्या है, अब बोलिएगा सर इतना आसान था, हाँ इतना आसान है, समझ गया बातों को, तो आंसर क्या हो जाएगा 7 और 7, मतलब आपका यहाँ पे क्या, तो कार्डिनलिटी भी 7 होगा, ये आपका कार्डिनलिटी भी आपका 7 हो जाएगा, और आपका डिग्री भी 7 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है, समझ गए बातों को। आपको बस ये चीजें याद रखिएगा ना, क्वेश्चन धड़क दिए बन जाएगा, समझ गए बातों को। चलिए अगला देखिए, अगला आपका क्या कह रहा है, समझिए थोड़ा बातों को, कह रहा है कि विच एसक्यूएल कमांड इज यूज टू आपका रिमूव ए टेबल फ्रॉम आपका डाटाबेस। जब भी आपको पूरे टेबले को गायब करना होगा ना, मतलब स्वाहा करना होगा, खत्म करना होगा, तो किसका यूज करिएगा, ड्रॉप का, आप ड्रॉप कमांड का यूज करिएगा एसक्यूएल में, तो टेबल खत्म, मतलब ड्रॉप कमांड के यूज करते ही आपका क्या हो जाएगा, आने की आपका टेबल खत्म हो जाएगा, मतलब समाप्त, पूरे टेबल को समाप्त करना, तो किसका प्रयोग करेंगे, ड्रॉप का प्रयोग करेंगे, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आने की बी, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला कह रहा है आपका क्या, कह रहा है द रजिस्टर डेट कंटेन द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। देखिए बात को समझिए, कह रहा है द रजिस्टर डेट कंटेन द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड इज कॉल्ड, तो उसको क्या बोलते हैं हम, प्रोग्राम काउंटर। ये हमारा क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर, मतलब प्रोग्राम काउंटर के पास क्या होता है, नेक्स्ट आपका इंस्ट्रक्शन का ये चीज होता है, मतलब द रजिस्टर डेट कंटेन द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, मतलब
कौन सा? तो प्रोग्राम काउंटर, ठीक है ना। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज टू बी एग्जीक्यूटेड, मतलब किसके पास होता है? तो प्रोग्राम काउंटर के पास होता है, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, देखिए अगला अगला कह रहा है आपका कि द रजिस्टर डेट कंटेन द आपका इंस्ट्रक्शन डेट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड इज कॉल्ड। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि रजिस्टर डेट कंटेन द इंस्ट्रक्शन, मतलब ऐसा रजिस्टर है जो कंटेन कर रहा है इंस्ट्रक्शन को, डेट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड इज कॉल्ड। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी प्रोग्राम का बात नहीं कर रहा, जबकि यहाँ पे देखिए आपका एड्रेस यानी कि रजिस्टर डेट कंटेंट आपका एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड, तब आपका प्रोग्राम काउंटर, और जब आपका क्या होगा रजिस्टर डेट कंटेंट आपका इंस्ट्रक्शन डेट इज यानी कि डेट इज बींग एग्जीक्यूटेड इज कॉल्ड, तब आपका क्या होगा इंस्ट्रक्शन आपका रजिस्टर होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, देखिए एक बात हम आपको सिंपल वे में बता देते हैं। देखिए अगर 100 क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं ना, उसमें दो चार क्वेश्चन के अगर आपको कंसेप्ट नहीं हो मिले, तो आप कोशिश करिएगा कि एज इट इज उसको समझ ले, समझ गया बात हो, क्योंकि एग्जाम पास करने का मूल मंत्र ये भी होता है कि जरूरी नहीं कि 100% चीजें हमको समझ में आ जाए। अगर 90% समझ में आ रहा तो 10% जो हमारा लैक है उसको डायरेक्ट आंसर पे हम फोकस करेंगे, आंसर याद रख लेंगे, काम खत्म, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में हमें बना करके आना है फाइनली। अगला देखिए, अगला आपका क्या कह रहा है कि द रजिस्टर विच होल्ड्स द आपका एड्रेस ऑफ लोकेशन ऑफ मेमोरी यानी कि टू एंड फ्रॉम विच डाटा आर टू बी ट्रांसफर इज नोन एज, जो डाटा आपका ट्रांसफर होता है क्या आपका कहलाता है? तो आपका यहां पे ये क्या होता है देखिए, कह रहा है कि रजिस्टर विच होल्ड द एड्रेस ऑफ लोकेशन मेमोरी टू एंड फ्रॉम डाटा आर टू बी ट्रांसफर इज नोन एज, तो आपका क्या होता है मेमोरी आपका बफर रजिस्टर होता है, क्या होता है आपका, नहीं सॉरी, मेमोरी आपका एड्रेस रजिस्टर होता है, क्या होता है आपका, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर आपका होता है। और ये सब डायरेक्ट ही जो थ्योरी पढ़िएगा ना, तो वहां से ये सब लाइन उठा उठा करके डाला है, क्या डाला है आपका, ये सब डायरेक्ट लाइन उठा उठा करके आपका डाला हुआ है, ठीक है ना, ये सब डायरेक्ट जो है ना थ्योरी का आपका लाइने उठा उठा करके सब डाल दिया। अगला देखिए, ये आप समझ गए देखिए, और बफर मेमोरी आपका क्या होता है ना, देखिए जो आपका बफर मेमोरी होता है, कहीं भी अगर डाटा को कंपनसेट करना हो, क्या करना हो, डाटा को कंपनसेट करना हो, तब आप बफर मेमोरी का यूज करते हैं। जैसे कहीं पे अगर मिस मैचिंग हो रहा हो चीजें ना, जैसे कि मान लीजिए कि कहीं पे भी आने की मिस मैचिंग हो रहा हो ना, तब वहां पे हम बफर का यूज करते हैं। मान लीजिए आपके सिस्टम है, या मान लीजिए आप कहीं से कनेक्ट किए हुए हैं, तो सिस्टम मान लीजिए कि आपका ज्यादा तेज है और जो कनेक्शन स्पीड का है वो आपका लो है, चाहे दोनों में कुछ हेरा फेरी है, तो वहां पे अगर मान लीजिए कि डाटा थोड़ा इधर उधर हो रहा है, तो उसको मैनेज करने के लिए आप बफर रजिस्टर का प्रयोग करते हैं। या ऐसे बोल सकते हैं कि जो मिस मैचिंग हो रहा है ना, ठीक है, 3 आवर का क्लास लीजिए, अच्छा ठीक है, जितना पॉसिबल होगा हम लेंगे ना, देखिए तो मिस मैचिंग को कंट्रोल करने के लिए बफर रजिस्टर का प्रयोग करते हैं। और इंडेक्सिंग क्या होता है, तो इंडेक्स को मैनेज करने के लिए, इंडेक्सिंग क्या होता है आपका, आने की इंडेक्स को मैनेज करने के लिए इंडेक्सिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि ए स्टोर डिवाइस यूज टू आपका कंपनसेट द डिफरेंस इन फ्लो ऑफ डाटा। देखिए यहाँ पे आ गया ना, जब भी आपका कंपनसेट की बात करेगा, मतलब दो गो के बीच में कंपनसेट की बात करेगा, या फिर मिस मैच की बात करेगा, मिस मैचिंग की बात करेगा ना, तो इस केस में आपका क्या होगा, बफर आंसर होगा, समझ गए बातों को। जब भी कंपनसेट की बात करेगा, अगर डाटा ट्रांसफर में या मिस मैच की बात करेगा, तो आपका आंसर क्या होगा, बफर आपका आंसर होगा। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए, देखिए क्वेश्चन आपका कह रहा है कि मेमोरी इन विच आपका एनी लोकेशन कैन बी आपका रीच इन आपका फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम आफ्टर स्पेसिफाइंग इट्स आपका एड्रेस इज कॉल्ड। कह रहा आपका क्या कि मेमोरी इन विच एनी लोकेशंस कैन बी आपका रीच,
इन ए फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम आफ्टर स्पेसिफाइंग एड्रेस, तो आपका क्या होता है प्राइमरी मेमोरी यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे आप क्या बोलते हैं तो रैम, यानी कि क्या बोलते हैं आप, यानी कि रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ये रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होता है आपका, कैसा होता है टेम्पररी इन नेचर, कैसा होता है आपका टेम्पररी, टेम्पररी इन नेचर, नेचर। और टेम्पररी इसके मतलब आपका वोलाटाइल भी होगा, वोलाटाइल भी होगा। और वोलाटाइल इसका कहने का क्या मतलब कि जब ये पावर ऑफ होगा तो डाटा लॉस्ट हो जाएगा, मतलब अगर पावर पावर ऑफ हुआ हुआ तो डाटा डाटा लॉस्ट कर जाएगा। एक बात हम बता देते मेरे भाई, ध्यान से सुनिए, देखिए कंप्यूटर साइंस का क्लास आपको कई जगह मिल जाएगा, फ्री भी मिल जाएगा, ऐसे वैसे सब तरह से मिल जाएगा, लेकिन आपको बीपीएससी को टारगेट करके और जो कंटेंट दिया जाए वो काम हम करेंगे आपके लिए, समझ गए बातों को ना, क्योंकि उसी को सिर्फ टारगेट, ऐसे नहीं कि ये फलाना ढमकाना सब एग्जाम को एक में आ जाओ, अरे सबका अपना कुछ स्पेसिफिक पैटर्न होता है ना, तो उसको पकड़ के कंटेंट को पढ़िए, चाहे कंटेंट कम हो लेकिन स्पेसिफिक हो, जहां से एग्जाम में प्रश्न आ जाए या एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न या टीआरई वन में क्या पूछा गया था, टू में क्या पूछा गया था, उसको फोकस करते हुए हम पूरा पढ़ाएंगे, आप समझ गए बातों को ना, तो आपको ज्यादा डाइवर्ट होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, समझ गए बातों को, ठीक है ना, समझ गए। और यही आपका टाइम है कि आप ओरिएंटेड कंटेंट को पढ़िए, 10 जगह से 10 को वीडियो डाउनलोड कर लीजिएगा, पता चलेगा इसमें से भी थोड़ा देख लिए, उसमें से भी देख लिए, अपना टाइम खराब कर दिए और सही कंटेंट तक पहुंच भी नहीं किए, तो सही कंटेंट तक पहुंचिए आप। देखिए आपका क्या हो जाएगा आंसर, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना, टेम्पररी हो जाएगा इन नेचर, वोलाटाइल हो जाएगा, पावर ऑफ होते ही इसका डाटा लॉस्ट हो जाता है रैम का आपका, ठीक है ना। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए, कह रहा है आपका, देखिए जिसको क्वेश्चन को बोलते हैं ना मॉडरेट लेवल से थोड़ा ऊपर, वो यही क्वेश्चन सब है, ठीक है ना। देखिए कह रहा आपका क्या कि आपका इतना, क्योंकि पीछे दो क्लास जो कराए ना उसका इजी क्वेश्चन था, देखिए यहाँ पे कह रहा आपका 1 से 5, 6, 7 ऑक्टल एडिशन है, उसके बाद ये चीज ऑक्टल एडिशन दिया, फिर इसके बराबर करना है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में आप दो तरीके से चल सकते, एक तो क्या कि ऑक्टल से आप डेसिमल में इसको भी ले जाइए, इसको भी ले जाइए और इसको भी ले जाइए, तीनों को डेसिमल में ले जाइए और तब एडिशन करिए डेसिमल में और तब जाकर के आप एक्स वाई का वैल्यू निकालिए, एक वो तो तरीका है। और दूसरा तरीका क्या है कि डायरेक्ट यहाँ एक्स और वाई का वैल्यू ये दोनों निकाल करके दिया है, तो ऑप्शन को पुट करिए और दोनों को जोड़ करके देख लीजिए, जब इसके बराबर आ जाएगा तो मतलब काम हो गया। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे हमारे पास ये है, तो देखिए एक्स है ना, हम x के जगह यहाँ पहला ऑप्शन को अगर उठाते हैं तो x के जगह क्या ले ले 4 और y के जगह क्या ले लेते 3, क्योंकि यहाँ पे ये चीजें दिया हुआ है आपका, ठीक है ना, x के जगह, चलिए देखिए थोड़ा सा एक सेकंड, देखिए थोड़ा सा जानवे करते हैं, कभी कभी बीच में थोड़ा कोई इमरजेंसी कॉल आ जाता है तो उठाना पड़ जाता है ना। देखिए देखिए अगला देखिए, तो यहाँ पे आपका ऑक्टल, तो हम यहाँ पे क्या ले, ये हमारा सीक्वेंस में वैल्यू निकाल के दिया है, देन द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, तो एक्स एंड वाई का वैल्यू आपका ये दिया हुआ है, तो हम पहला ऑप्शन को अगर मान ली कि उठा लिए, अब यहाँ पे हम ऑक्टल एडिशन करेंगे, पहला ऑप्शन को उठाए तो एक्स के जगह क्या डाले, तो बोलिए कि सर एक्स के जगह जो है आपका कितना डालिए 4 डालिए, तो यहाँ पे हम 4 डाल दिए, ठीक है ना। अब बाकी तीनों जो उसको हम लिख लेते, कितना आपका 5 है, 6 है और 7 है। अब दूसरा ऑप्शन देखिए, दूसरा ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपका क्या है, दूसरा ऑप्शन यहाँ देखिए ये आपका है ना, ये क्या आपका 2 दिया है और उसके बाद यहाँ पे किसका वैल्यू चाहिए, y का, फिर x का, y का कितना है 3 और x का कितना है आपका 4, और फिर यहाँ पे जो वैल्यू पहले से ना उसको हम रेड कलर से लिख दे रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको आसान हो। और इसको अगर हम ऑक्टल एडिशन करते हैं तो इसमें आपका क्या दिया है वैल्यू, देखिए ये हमको कितना वैल्यू चाहिए, तो हमारे 7 चाहिए, एक सेकंड रुकिए मैं इसको दूसरा कलर से लिख देता हूँ ताकि आपको दिखेगा, यहाँ हमको क्या चाहिए 7 के बाद 1 है और वाई एक्स का वैल्यू चाहिए, मतलब 3 और आपको 4 चाहिए, हमें ये वैल्यू लेकर के आना है ना, देखिए जरा यही वैल्यू ना हमको लेकर के आना है, देखिए मतलब हमको जो वैल्यू लाना है कितना लाना है 71 और 34 पुर जाएगा ना, तो हमारा सही हो जाएगा ऑक्टल एडिशन। अब यहाँ पे देखिए ऑक्टल एडिशन करते हैं, ऑक्टल एडिशन का रूल होता है थोड़ा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए जैसे कि मान लीजिए 0 के लिए क्या होता है आपका 0, 1 के लिए क्या होता है आपका 1, 2 के लिए क्या होता है आपका, देखिए जैसे कि 2 में अगर ऑक्टल में चलेंगे तो 2 ही होगा, 3 के लिए कितना होता है 3,
चार के लिए हमारा डेसिमल का, इधर जो लिख रहा है ये डेसिमल है, और ये आप कौन सा ऑक्टल है, ऑक्टल है। तो चार के लिए चार, पांच के लिए पांच हो जाएगा, छह के लिए छह, सात के लिए आपका कितना होगा सात। लेकिन जब हम बात करेंगे आठ का तो कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए जब ही आप बात करेंगे आठ का, इसके मतलब आठ को आप आठ से भाग दीजिए तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका एक और यहाँ जीरो, और इसको आप नीचे से ऊपर लिखते मतलब आप 10 के फॉर्मेट में इसको लिखिएगा तो आठ का वैल्यू आपका ये हो जाएगा यानी कि 10। फिर 9 का वैल्यू की बात करेंगे तो 11, और यहाँ पे फिर 10 की वैल्यू की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 12, 11 की वैल्यू की बात करेंगे तो आपका 13, 12 की वैल्यू की बात करेंगे तो 14। ये इसी तरह से आपका बढ़ते जाएगा और ये आपका ऑक्टल में वैल्यू आ गया। ये आपका इस साइड जो आया ये ऑक्टल में, और इधर जो आया आपका ये डेसिमल में। समझने का कोशिश करिए, ठीक है ना। ये हमारा डेसिमल में और ये हमारा किस में है ऑक्टल में। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको देखिए, देखिए अब यहाँ पे इसको जोड़िए तो कितना हो जाएगा 7 × 5 आपका कितना हो गया 12। जब ये 12 हो गया तो डेसिमल में 12 है, इसके मतलब ऑक्टल में कितना है 14, ठीक है ना। तो 14 के लिए कितना हो जाएगा 4, और एक आपका कैरी बच गया जो ऊपर चल जाएगा। अभी कितना हो गया आपका तो 10 और एक 11, 11 ये किसमें हो गया आपका डेसिमल में। 11 के लिए आपका कितना है 13, तो 11 के लिए जब 13 है तो इसके मतलब कितना हो जाएगा आपका 3, आपके पास कितना बच गया 1, तो 1 को आप यहाँ कर दिए। अभी कितना हो गया आपका यानी कि 6 × 3 आपका 9, और यहाँ 9 के लिए कितना 11, मतलब यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा। उसके बाद फिर से कैरी क्या बचा 1, ये कितना हो जाएगा आपका 5 × 2 कितना हो जाएगा 7। तो देखिए आपका ये आपका कौन सा ऑक्टल एडिशन आ गया, ये आपका क्या है तो ऑक्टल, ऑक्टल एडिशन है, क्या आपका ऑक्टल एडिशन है। समझ गया भाई मेरे, ऑक्टल एडिशन है आपका ये, और यही तो हमको लाना था। इसके मतलब ऑप्शन ए क्या हो जाएगा सही। अगर ऑप्शन ए से नहीं आता बी को चेक कर लेते, सी को चेक कर लेते, तुरंत आपका आ जाता है, क्योंकि ये इजी तरीका है। अगर इसको हार्ड तरीका से बनाना चाहते हैं तो देखिए हार्ड तरीका इसका क्या होगा मैं बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले तो आपको इसको लाना पड़ेगा जिसमें आप पहले क्या करिए कि 8 की पावर आप 0 करिए, फिर गुने में आप क्या करिए 7, फिर प्लस में क्या करिए 8 की पावर 1 करिए, फिर गुने में 6, फिर से क्या करिए आप 8 की पावर 2 करिए, और फिर से गुने में आप 5 करिए, फिर से क्या करिए कि 8 की पावर 3 करिए, फिर से गुने में आप 1 करिए, इसी तरह से इसका करिए, अब इस दोनों को जोड़िए, फिर इसका करिए, तब जाके एक्स वाई का वैल्यू निकालते। कितना टफ हो जाएगा ना, इसीलिए टफ ना बना करके ऐसे क्वेश्चन को हम ऑप्शन से करेंगे। तुरंत इसका एडिशन निकाले, ये वैल्यू याद रखिएगा, ये बोर्ड PDF भी आप तक जाएगा। समझ गया बातों को ना, इसको थोड़ा ध्यान आप रखने का काम करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, एक बार जरा हमसे बात करिए आप लोग, ठीक है ना। जितने भी लोग जुड़े हैं एक बार बात करिए हमसे, समझ में आ रहा है ना। ये जो बता रहे हैं समझ में आ रहा है ना, क्यों? क्योंकि ये सब हाँ ठीक है, ओके, बहुत अच्छा से समझ में आ रहा है, ठीक है ठीक है, थैंक यू। देखिए क्योंकि देखिए कुछ क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट मिलेगा ज़्यादा, ठीक है ना। हालांकि मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाए, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर आसानी से समझ में ले आ रहे हैं ना, आ जा रहा है, इसका मतलब जो मैं पढ़ाऊंगा वो भी आपको बड़े आसानी से और सिंपल भाषा में कंप्यूटर कैसे पढ़ते हैं उस तरीके से हम आपको एग्जाम तक पहुंचा देंगे। हम आपको फिर से बोल रहे हैं कंप्यूटर में हमें आपको विद्वान नहीं बनाना है, हमें आपको क्या बनाना है कि आप BPSC का जो मोटिव है, प्रश्न पूछने का पैटर्न है, उसको आप अच्छे से समझ ले और उसके प्रश्न को बना लीजिए। फिर आप आराम से जब आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा खूब NCERT उल्टा उल्टा कर पढ़ते रहिए, समझ गए। अभी आप इस कंटेंट पे फोकस करिए, ठीक है, चलिए आगे बढ़े। हाँ जी सर, ठीक है, ओके ओके ठीक है, आगे आइए। आप मेरे साथ जुड़े हैं ना तो मेरा तो इतना जिम्मेदारी है ना कि मैं बहुत अच्छा से आपको चीजों कराऊं। देखिए कह रहा है कि आपका कि द रेंज ऑफ द आपका नंबर डेट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 8 डिजिट यूजिंग आपका 2 components आपका रिप्रेजेंटेशन इज। तो क्या होता है आपका 128 से लेकर के आपका 127 तक, मतलब ये रेंज होता है आपको याद रखना है। ये रेंज हम आपको हालांकि पढ़ाएंगे भी कितना होता है रेंज, तो माइनस आपका 128 से लेकर के और ये कहाँ तक होता है तो आपका 127 तक होता है। ये क्या है आपका तो रेंज है, क्या आपका रेंज है, समझ गया बातों को, ये आपका रेंज है। चलिए चलिए देखिए समझ गया बातों को, तो ये आपका रेंज है, ठीक है ना। अगला देखिए,
अगला क्या रहा, फिर से वो ऐसे ही क्वेश्चन आ गया, समझ रहे ना। अब ये क्वेश्चन आपका देखिए, वहां खाली ऑक्टले था, अब यहाँ इसको ऑक्टल में रखा, इसको आपका हेक्साडेसिमल में कर दिया, मतलब ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में सबसे लास्ट में बनाना है। अब हमारे पास एक ही चारा है कि इसको दोनों को डेसिमल में करे तब आपका बराबर हो जाएगा। तो दोनों को डेसिमल में कैसे करे देखिए, अब यहाँ पे डेसिमल में करने के लिए आपको एक ही उपाय है क्या, देखिए इसको डेसिमल में कैसे करे, तो सबसे पहले हमारे पास 8 है, तो 8 के पावर 0 गुने में क्या हो जाएगा आपका वाई, उसके बाद आपका क्या है तो 1 प्लस में आपका 1 गुने में 8 के पावर में 1 प्लस में आपका क्या हो जाएगा, तो फिर से आपका x है, मतलब आपका x गुने में 8 के पावर आपका 2, उसके बाद क्या है 1 प्लस में आपका क्या हो जाएगा, यानी कि 1 गुने में 8 के पावर 3 और प्लस में आपका 1 गुने में 8 के पावर कितना 4। एक तो हमारा इक्वेशन ये डेसिमल में बन गया, दूसरा डेसिमल में क्या बनेगा, जब हम इसको बनाएंगे हेक्सा डेसिमल को डेसिमल में, तो जैसे यहाँ 8 के पावर 0, 1, 2, 3 किया है ना, तो यहाँ 16 के पावर जाएगा, लेकिन यहाँ सी भी दिया था, देखिए जैसे कि आपका हेक्सा डेसिमल यानी कि हेक्सा डेसिमल डेसिमल अगर नंबर की बात करें नंबर का, तो आपका 0 से लेकर 9 तक होता है, ठीक है ना, मतलब 0 से 9 तक कहने का क्या मतलब, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, ऐसे लेकर के 9 तक, उसके बाद आपका ए बी सी डी ई और एफ होता है। ए का मतलब यहाँ क्या होता है देखिए, ए का मतलब आपका 10, 11, 12, 13, 14 और उसके बाद ये 15 होता है, तो सी का मतलब कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। तो जब इसको हम यहाँ लिखेंगे तो इसके मतलब क्या हो जाएगा, आने की 16 के पावर 0 गुने में आपका कितना 9 प्लस में आपका क्या हो जाएगा, आने की 12 गुने में 16 के पावर 1 और प्लस में आपका क्या हो जाएगा, आने की 2 गुने में 16 के पावर आपका कितना 2 और प्लस में आपका 1 गुने में 16 के पावर 3। जब इसको आप कैलकुलेशन करेंगे ना, तब यहां से आपको x एंड y का जो वैल्यू है ये निकल करके आएगा 3 × 1। अब इसका कैलकुलेशन कौन करेगा, 137 पर फिर से क्या दिक्कत आ गया बताइए, रेंज इसका होता है 100 -128 से 127 प्लस तक होता है रेंज इसका, ठीक है ना, रेंज 137 पे फिर से सर इसका रेंज होता है, ठीक है, रेंज है याद रखना है, कैसे सर रेंज इसका है याद रखना है, ठीक है। चलिए और भी कुछ डाटा का रेंज होता है ना, वो हम आपको आगे करवाएंगे, ठीक है ना, आपको एज इट इज याद रखना है। अगला देखिए, तो ये कैलकुलेशन आपको करना है, ये कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपका आंसर निकल जाएगा, और ये आपको कैलकुलेशन जस्ट करना है, ठीक है, इसको कैलकुलेटर से आपको या हाथ से ही करना है, ठीक है ना, इसको भी कैलकुलेशन करना है, यहाँ कैलकुलेशन करने में बहुत टाइम लेगा, हम डायरेक्ट आपको आंसर बता दिए क्योंकि प्रोसीजर आपका यही है, एक दो क्वेश्चन आपका ऐसा देता है जो कि या तो छोड़िए या तो लास्ट में टाइम बचा तब बनाइए, तो ये क्वेश्चन वही वाला जो लास्ट में टाइम बचा तब बनाइए, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है, कह रहा आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आपका 4-bit नंबर इक्वल्स टू आपका सेकेंड कॉम्प्लीमेंट, तो 4-bit नंबर जो आपका होता है सेकेंड कॉम्प्लीमेंट का, ये आपका कितना होता है, तो 1000 होता है, कितना होता है आपका 1000 होता है, कितना 1000 4-bit का। चलिए आगे देखिए, आगे आपका ये भी बड़ी मतलब इंटरेस्टेड क्वेश्चन, देखिए जितना भी लोग यूट्यूब पे चाहे कहीं भी प्रीवियस ईयर कराए हैं ना, देखिएगा ये सब क्वेश्चन छोड़ दिया है, कौनों नहीं ये सब क्वेश्चन कराए, या तो कराए हैं तो आंसर टिक मारे खाली, कौनों सब क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं करा। देखिए कह रहा आपका क्या कि द नंबर ऑफ आपका वंस, मतलब एक कितना होगा, नंबर ऑफ वंस इन आपका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द आपका वैल्यू ऑफ आपका डेसिमल एक्सप्रेशन, डेसिमल एक्सप्रेशन का आपका क्या होगा यहाँ पे ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप ये देखिए, जैसे कि अभी हम आपको बताए हैं क्या कि हेक्सा डेसिमल में 0, 1, 2, 3 ऐसे बढ़ते हैं ना, तो यहाँ पे भी आपका देखिए, ये आपका देखिएगा यहाँ पे आपका 16 के पावर 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या 16 के पावर 0 लिख दे, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, क्यों, क्योंकि कुछ नहीं, 16 किसी भी नंबर के पावर में 0 इसके मतलब आपका 1 हो जाता है, तो इसको देखिए तो ये हेक्सा डेसिमल में इस नंबर को लिख ले, तो आप बोलिएगा सर हेक्सा डेसिमल बिल्कुल लिख सकते, क्या हो जाएगा आपका 3 फिर 5, एगो ये 3 हो जाएगा, ये वाला आपका 5, ये वाला आपका 7 और ये वाला आपका कितना हो जाएगा 9, और ये आपका हेक्सा डेसिमल में नंबर आपका आ गया, ये नंबर आपका आने की ये नंबर नंबर क्या हो गया किस डेसिमल में, तो हेक्सा डेसिमल में, हेक्सा डेसिमल में नंबर आपका हो गया। अब देखिए इस हेक्सा डेसिमल नंबर को हम कैसे कन्वर्ट करें, तो देखिए हम यहाँ पे लिख रहे, देखिए जैसे कि हम इस हेक्सा डेसिमल नंबर को अगर हमको बदलना होगा तो देखिए 0 के लिए आपका क्या होता है, ये हम इधर डेसिमल में लिख रहे हैं, किसमें, डेसिमल में, डेसिमल में, और इधर हेक्सा डेसिमल में लिखें तो 0 के लिए आपका क्या होता है, तो देखिए 0 के लिए आपका आने की 0 होता है, ठीक है, और इधर हम लिखते हैं हेक्सा डेसिमल, क्या लिखे, आने की हेक्सा डेसिमल,
डेसिमल, जीरो के लिए आपका वन और वन के लिए वन, टू के लिए आपका कितना होगा तो दस, क्योंकि ये हम किसमें लिख रहे हैं अभी बाइनरी के फॉर्म में लिख रहे हैं, ये हेक्साडेसिमल हम इधर हमारा एक सेकंड, ये हमारा डेसिमल है ना, इसको हम हेक्साडेसिमल ले लेते, देखिए डेसिमल है इसको हेक्साडेसिमल इधर कर लीजिए, ठीक है ना, एक सेकंड रुक जाए, इधर हम कर लेते हेक्साडेसिमल, ठीक है, दूसरे कलम से कर लेते, रुक, इस साइड मान लीजिए हम लिख रहे हैं हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल और इधर क्या लिख रहे हैं बाइनरी, बाइनरी आपका नंबर लिख ऐसे लिख लेते, ठीक है ना, देखिए तो यहाँ पे आपका क्या है, तीन के लिए कितना हो जाएगा आपका 11, चार के लिए कितना हो जाएगा आपका 100, पांच के लिए कितना हो जाएगा आपका 101, छह के लिए आपका कितना हो जाएगा तो 110, ठीक है ना, सात के लिए कितना हो जाएगा आपका तो 111, आठ के लिए आपका कितना हो जाएगा तो 1000, नौ के लिए कितना हो जाएगा आपका 1001, ठीक है ना, तो नौ तक हेक्साडेसिमल आपका नंबर सेम होता है, जब हम 10 या इससे आगे बढ़ते हैं ना तो फिर वो ए बी सी डी में आपका जाने लगता है। तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ वंस पूछ रहा आपका, देखिए नंबर ऑफ वंस तो तीन के लिए, देखिए जो हमारा तीन है, तीन के लिए आपका कितना है ये हो गया, पांच के लिए कितना हो गया ये हो गया, उसके बाद सात के लिए क्या हो गया ये हो गया, नौ के लिए क्या हो गया ये, तो इसमें टोटल में गिन लीजिए कितना एक है, तो यहाँ पे आपका दो गो निकल गया, यहाँ भी दो गो निकल गया, यहाँ कितना तीन गो और यहाँ कितना दो गो, अब सबको जोड़ लीजिए, देखिए चार गो और तीन गो सात गो और दो गो आपका नौ गो, तो नौ गो आपका वंश जो है आ गया, आ गया, समझ गया बात को, नौ गो आपका वंश आ गया और यही आपसे पूछा था ना, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, समझ गए, समझे ना क्वेश्चन को क्या कह रहा है, देख रहे हैं कहां से कहां डाइवर्ट हो रहा है, इस सॉल्यूशन को पकड़िए तब जाकर के पूरा नंबर ला पाइएगा एग्जाम में, ठीक है। चलिए देखिए अगला, देखिए अगला आपका क्वेश्चन 141 नंबर, आज पूरा खत्म कर देते, क्या बोलते हैं खत्म कर दे 150 तक, 40 तक रखें, एक बार बताइए, बताइए ना आप लोग, खत्म कर दे 50 तक, खत्म कर देना प्रीवियस ईयर आज खत्म, ठीक है, चलिए ठीक है ठीक है ठीक है, आप लोग का विचार है आज खत्म करने का, खत्म कर दे, देखिए कह रहा था बुलियन एक्सप्रेशन यानी कि एक्स प्लस में एक्स डैश वाई, देखिए होता क्या है, अब्जॉर्प्शन लॉ क्या बोलता है, यानी कि अब्जॉर्प्शन आपका लॉ क्या बोलता है, ठीक है ना, देखिए अब्जॉर्प्शन लॉ आपका क्या बोलता है ना, समझिए अब्जॉर्प्शन लॉ बोलता है क्या आपका, कि जैसे कि मान लीजिए अगर आपका ए है और प्लस में अगर आपका ए बी है तो यहाँ पे बी क्या हो जाएगा आपका ऑब्जर्व हो जाएगा, मतलब बी जो है ना इसको ऑब्जर्व कर लिया जाएगा, ये बी आपका आने की ऑब्जर्व कर लिया जाएगा, समझ गया बातों को, बी ऑब्जर्व हो गया, मतलब ऐसा मान लीजिए कि ऑब्जर्व मतलब इसका वैल्यू अगर मान लीजिए कि जीरो कर दिए तो इसके मतलब क्या बच जाएगा, इस पूरे फॉर्मेट को हम क्या लिख सकते हैं, तो ये पूरा फॉर्मेट जो है इसका वैल्यू क्या आ जाएगा आपका ए आ जाएगा, मतलब ये खाली ए आ जाएगा। दूसरा एक और क्या बोलता है ऑब्जर्वेशन लॉ, कहता है क्या कि अगर आपके पास ए है और प्लस में ए डैश अगर बी है तब यहां से सिर्फ आप ए वैल्यू को, मतलब जो ए डैश है ना, ए डैश है इसको ऑब्जर्व कर लीजिए, इसको ऑब्जर्व कर लीजिए, कर लीजिए, समझ गया बातों को, एंड कर दे, यस यस एंड, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, एंड कर देंगे, एंड कर देंगे आज, इसका एंड कर देंगे। देखिए तो यहाँ पे देखिए आपका एक्चुअली है क्या, एक्स प्लस में आपका एक्स डैश वाई है, तो ऑब्जर्वेशन लॉ क्या बोलता है कि यहां से हम किसको ऑब्जर्व कर ले, तो इसको एक्स डैश को क्या कर लीजिए ऑब्जर्व, ऑब्जर्व कर लीजिए, तो आपका क्या बन करके आ जाएगा, तो जस्ट आपका एक्स प्लस में वाई आ जाएगा, ठीक है ना। 12 गो लॉ है बुलियन अलजेब्रा, 12 लॉ को पढ़ा देंगे, क्वेश्चन आएगा ना त्राक देखते ही बना दीजिएगा, समझे ना, देखते ही बना दीजिएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला देखिए, अगला यहाँ पे जो आया है आपका, कह रहा है आपका बुलियन एक्सप्रेशन, क्या कह रहा है आपका बुलियन एक्सप्रेशन, यानी कि ये दिया है, कह रहा है कि इज इंडिपेंडेंट ऑफ बुलियन वेरिएबल, मतलब कौन से पे डिपेंड नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले आपका क्या लिखा है, ए बी लिखा है, प्लस में आपका ए बी डैश लिखा है, प्लस में आपका ए डैश सी लिखा है और प्लस में आपका ए सी लिखा है। यहां से अगर आप कॉमन ए लेते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, बी प्लस में आपका बी डैश हो गया, और प्लस में अगर यहां से
सी कॉमन लेते थे, इसके मतलब ए डैश और प्लस में आपका क्या हो गया, अन्य की ए डैश हो गया। और आप जानते हैं क्या, अगर नहीं जानते तो जान लीजिए, आगे तो हम बताएंगे, अगर कोई भी हमारे पास अगर ए और प्लस में अगर ए डैश है तो इसका वैल्यू क्या होता है, वन होता है। ये आपका लॉ है बुलियन का, जब हम 12 लॉ बताएंगे तो उनमें ही सब कुछ आपका आएगा। तो इसका वैल्यू आपका क्या हो गया, वन, और इसका भी वैल्यू आपका वन हो गया, इसके मतलब आपका ए प्लस में सी आपका बचा, ठीक है ना। तो इसके मतलब ए प्लस में सी पर तो डिपेंड है, तो किस पे डिपेंड नहीं है, मतलब बी पर आपका डिपेंड नहीं है मेरे भाई, समझ गया। अगला देखिए, अगला कह रहा है आपका, कह रहा है कि द बुलियन एक्सप्रेशन, बुलियन से खूब भर के प्रश्न आया हुआ है, समझ गया बात तो को ना, पूरा हिला के पढ़ना है बुलियन को। देखिए कह रहा है बुलियन एक्सप्रेशन ए प्लस में आपका बी सी इक्वल टू किसके बराबर होगा, तो देखिए क्या कह रहा है आपका, ए प्लस में आपका आने की बी डॉट सी, यही चीज है। और इसको क्या कहते हैं, इसको जोड़ते हैं, देखिए ये इसके साथ जुड़ेगा, तो ए प्लस में पहले बी के साथ, उसके बाद डॉट, फिर ए किसके साथ जुड़ेगा तो सी के साथ जुड़ेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा। इस प्रश्न तो चुटकी में उड़ा दिए होइएगा अगर पढ़े होइएगा तन पोता, ठीक है ना। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि द बुलियन एक्सप्रेशन आने की, फिर से आपका यही आ गया, देखिए क्या कह रहा है आपका, एक्स प्लस में एक्स वाई कह रहा है, और जब ऐसा होता है तब क्या करते हैं, इसमें से आपका वाई वेरिएबल ऑब्जर्व हो जाता था, जैसे हम यहाँ बताए ना, देखिए बताए ना कि बी वेरिएबल ऑब्जर्व हो जाएगा, तो उसी तरह से यहाँ क्या हो जाएगा आपका, वाई ऑब्जर्व हो जाएगा, एब्जर्व हो जाएगा ना, एब्जर्व हो जाएगा ये वाई, तो इसके मतलब वाई एब्जर्व हुआ, इसके मतलब क्या, वाई का वैल्यू आपका ऐसा मान लीजिए कि जीरो हुआ, यानी कि एब्जर्व हो गया, तो यहाँ पे आंसर क्या बच गया आपका, एक्स बच गया, तो आंसर आपका एक्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन क्या ए। अगला देखिए, अगला फिर से आपका वही बात घुमा फिरा कर एक ही बात पूछ रहा, देखिए कह रहा है आपका एक्स और इंटू में एक्स प्लस में आपका वाई है, तो क्या हो जाएगा, एक्स डॉट एक्स और प्लस में आपका एक्स वाई आपका हो जाएगा। अब ये चीज अगर नहीं पढ़े तब पढ़ लीजिए, अगर x डॉट x है अगर ना आपका, तो इसका वैल्यू कितना होता है आपका, तो x ही होता है, ये हम a डॉट a करके आपको पढ़ाएंगे, आपका a होता है वैल्यू, तो इसका वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, x, और प्लस में आपका क्या हो जाएगा, एक्स वाई, फिर से वही कहानी आ गया, और यहाँ पे y क्या हो जाएगा आपका, एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो यहाँ आंसर क्या बच जाएगा आपका, एक्स बच जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका ये अपना परम बैच है, ठीक है, आप अपने दोस्त यार से भी बता दीजिए कि ठीक है कि मैं पढ़ा रहा हूँ इस बैच में, और मेन हमारा टारगेट क्या है, 3.0, ठीक है ना, अगर आप 4 भी आगे देंगे तभी भी ये काम आएगा, स्टेट दे रहे हैं तभी भी आपका काम आएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका क्या कह रहा है, कह रहा है इफ द आपका x इज, अगर किसी को लग रहा है ना कि सर आप कैसा कंटेंट पढ़ाइएगा, तो आप एक बार एप्लीकेशन पे आइए, मैं फ्री भी टॉपिक पढ़ाया हूँ, उसको देखिए समझिए बूझिए तब जाकर के आप एंट्री करिए। देखिए आगे कह रहा आपका कि इफ x इज आपका बुलियन वेरिएबल देन द आपका x के पावर 4 बार डैश है, तो देखिए जब किसी भी चीज के पावर डैश होता है मतलब इनवर्स, और इसके पावर जब 2 गो डैश हो जाता है तो इसका मतलब ये a दे देता है, ठीक है ना, और इसके ऊपर जब 4 गो डैश हो जाए मतलब a के पावर ये डैश है आपका, ठीक है ना, उसके बाद फिर से आपका डैश है, फिर से आपका डैश है, और फिर से आपका डैश है, तो ये 2 गो डैश मिला करके ना आपका एक बना दिया, फिर ये 2 गो डैश एक बना दिया, तो मतलब इसका वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, ए आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन आपका 2 वैल्यू बुलियन अलजेब्रा द मैक्सिमम नंबर ऑफ आपका बुलियन फंक्शन फॉर 2 वेरिएबल, देखिए जब भी आपका वेरिएबल पूछे ना कितना होगा बुलियन अलजेब्रा में, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, हाँ, और एक बात आप लोग साथ में थोड़ा कॉपी रखिएगा, जिसको हम बोलेंगे लिख लेने के लिए उसको आपको लिख लेना है बिना कुछ राय विचार किए, बता दिए हैं सर, ठीक है, धन्यवाद आपको, धन्यवाद, धन्यवाद सुबह जी। चलिए देखिए फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 के पावर आपका n होता है, ठीक है ना, 2 के पावर n होता है, तो यहाँ पे कितना वेरिएबल है, 2 वेरिएबल, और ये आपका n क्या है, तो नंबर ऑफ आपका अन्य की वेरिएबल है, ठीक है ना, क्या आपका नंबर ऑफ वेरिएबल, ठीक है। देखिए तो यहाँ इसके पावर 2 रखिए तो 2 के पावर आपका 2 है, इसके पावर भी 2 रखिए तो कितना हो जाएगा आपका 4, मतलब 2 के पावर 4, तो इसके मतलब क्या हो गया, 2 × 2 × 2 और गुने में 2, तो कितना हो जाएगा आपका 4 × 4, मतलब आपका 16 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। चलिए समझ गए बातों को, चलिए
चलिए। और आप लोग के पास टाइम तो होगा ही, इवनिंग में क्लास रहेगा ना, तो लाइव क्लास ही जुड़ करके देखिएगा ना, ताकि ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ाने में, और आपको पढ़ने में भी आप डाउट भी पूछ पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे आपका क्वेश्चन क्या, देखिए ये जब हम अभी थ्योरी में के मैप आपको पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे हम, के मैप पढ़ाएंगे ना, तब इस क्वेश्चन को बताएंगे। अभी के लिए आप मान लीजिए कि इसका आंसर क्या ए। अभी के मैप हम पूरा कंसेप्ट है, जब तक हम पूरा नहीं पढ़ाएंगे ना, टू वेरिएबल थ्री वेरिएबल क्या होता है, जैसे कि यहाँ तीन गो वेरिएबल हो गया, तो यहाँ जैसे कि तीन गो वेरिएबल हो गया ना, तीन गो आपका वेरिएबल हो गया, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टेबल कितना बन जाएगा, जो आपका नंबर ऑफ टेबल बनेगा, यानी कि नंबर ऑफ टेबल टेबल बनेगा, ये दो के पावर तीन बनेगा, मतलब आठ गो टेबल बनेगा। तो जब हम आपको थ्योरी पढ़ाएंगे ना, तब जाकर के हम आपको के मैप वाला तब हम आपको बताएंगे। इसका आंसर अभी आप याद रखिएगा, ए नंबर। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग आपका लॉजिक गेट इज कॉल यूनिवर्सल गेट। तो देखिए जैसे कि हम गेट की बात करेंगे ना, अगर हम गेट की बात करते हैं, गेट की बात, तो एक तो हमारा होता है बेसिक आपका, क्या होता है बेसिक आपका, यानी कि गेट। एक होता है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल आपका यानी कि गेट, और एक हमारा क्या होता है ड्राइव गेट, जिसको बोलते हैं ड्राइव गेट। ठीक है ना, या फिर अर्थमेटिक गेट भी इसको बोल सकते हैं, ड्राइव गेट या अर्थमेटिक, अर्थमेटिक आपका गेट बोल दीजिए। अब इसका उदाहरण कम से कम लिख लीजिए। देखिए जैसे कि बेसिक गेट की बात करेंगे, तो जैसे कि आपका एंड हो गया, आपका और हो गया, और आपका यानी कि नॉट हो गया। ये हम आपको पढ़ाएंगे पूरा बुलियन अलजेब्रा में। ठीक है ना, मजा आ रहा है। चलिए देखिए यूनिवर्सल में आपका क्या होता है, नंद, नंद होता है एक नंबर, और दूसरा आपका क्या होता है, आपका आने की नौर होता है, और आपका ड्राइव में क्या होता है, तो आपका एक्स और होता है, और एक्स आपका आने की नौर होता है। तो ये सब हम आपको पढ़ाएंगे, चिंता नहीं करना है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा, यूनिवर्सल गेट पूछ रहा है अब, तो बता दीजिए आपका नंद हो जाएगा, और नौर रहता तो नौर भी आपका यूनिवर्सल हो जाता। ठीक है, चलिए एकदम ही मजा आएगा, पूरे क्लासे में मजा आएगा, आप टेंशन मत लीजिए। देखिए अगला कह रहा है आपका द मिनिमम नंबर ऑफ आपका एंड गेट्स रिक्वायर्ड टू आपका इम्प्लीमेंट बुलियन फंक्शन। ये आपका बुलियन फंक्शन जो दिया है ना, इस क्वेश्चन को भी पहले हम थ्योरी पढ़ाएंगे, उसके बाद कराएंगे। आप अभी के लिए याद रखिए कि इसका आंसर आपका चार है, मिनिमम नंबर ऑफ आपका नंद गेट। हालांकि इसमें अभी हमको थ्योरी पढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर के आप इस क्वेश्चन को समझ पाइएगा। पूरे सेट में 150 में, मतलब 80 क्वेश्चन में, चार पाँच तीन चार ऐसा क्वेश्चन है जिसको अभी तक हम थ्योरी नहीं पढ़ाए, मतलब उस थ्योरी को पढ़ाएंगे, फिर हम वहाँ पे आपको उसको इम्प्लीमेंट करके तब हम आपको बताएंगे। अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था 150 नंबर। ठीक है ना, तो ये बात आप ध्यान में रख लीजिए। देखिए अभी तक हमें पूरा आपको करवा दिए, ये आपका 49 नंबर था। ठीक है, ये के मैप पे आपको करवाना बाकी है, ये सब हम आपको बता दिए, ये सब कुछ आपको समझ में आ गया ना अच्छे से। ठीक है, और यही मटेरियल आपको कहाँ से मिलेगा, तो प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पे परम बैच में चल जाइएगा, कंटेंट में जाइएगा, ये सब जितना प्रीवियस ईयर का मटेरियल है बोर्ड पीडीएफ, ये फ्री में वहाँ डाला हुआ है, आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोर्स नहीं भी लेना है, तभी भी वहाँ जो कम से कम अवेलेबल है उस मटेरियल को जरूर एक्सेस कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो चलिए आज के लिए फिर हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कब, कल के सेशन में हम मिलेंगे, और ये परम बैच है, अपने दोस्त यार सबको बता दीजिए जुड़ेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हम सभी लोगों को हो पाएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय, जय हिंद दोस्तों, और सभी को गुड नाइट। ठीक है, संध्या में डेली जुड़ेंगे। ठीक है, हो सकता है कि ये वीडियो कहीं यूट्यूब पे भी जाए, तो दूसरे टाइम में भी जा सकता है, तो हम इसमें गुड इवनिंग और गुड नाइट ही बोले हैं आप सभी लोगों को। ठीक है, चलिए अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मन लगा करके पढ़िए, सिलेक्शन पक्का होगा, हम आपके साथ हैं, मेहनत करेंगे, आप भी मेरे साथ आंसर मेहनत करिए। ठीक है, चलिए आज के लिए रखें इतना ही, आप सभी लोग से एक बार पूछ रहा हूँ। ठीक है, रखे, चलिए ठीक है, बाय, गुड नाइट।